मैं मुख्य वक्ता के हिसाब से बुलाया गया, प्रशांत सिंह जी, मध्य प्रदेश में जो एडवोकेट जनरल हैं और राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष के श्रीनिवास मूर्ति जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी दी भरत कुमार जी, जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री हरि बोरिकर जी, नेशनल ट्रेजरर अधिवक्ता परिषद के चुन्नीलाल अरोड़ा जी, उपाध्यक्ष तीनों हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर सीमा सिंह जी, सत्य प्रकाश राय जी, आर राजेंद्रन जी, सेक्रेटरी अंजलि हेलेकर जी, सेक्रेटरी दीपेंद्र कुशवाहा जी, ऑफिस सेक्रेटरी संतोष कुमार जी और देश भर से आए हुए अधिवक्ता के जितने भी प्रमुख लोग यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी सीनियर्स जो अधिवक्ता परिषद के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग आज इस सम्मेलन में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले, मुझे आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र धरती पर इस 16वें अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें आपके बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आया हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सोचने का आदत नहीं है, जो कुछ दिखता है वही बोलता हूँ और देश के लिए जो कुछ काम करना है काम करके उस सोच को क्रियान्वित करने का कोशिश करता हूँ। छोटे छोटे दो चीज़ें हैं, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूँगा। सबसे पहले, एक तो मेरा कभी कभी इंट्रोडक्शन हो जाता है कि मैंने LLB किया है, तो ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि मुझे कानून आता है। LLB ज़रूर किया मैंने, लेकिन उस दृष्टि से मैंने कभी LLB नहीं किया कि कभी मैं कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करूँगा। तो उस समय एक मन में आया कि मुझे LLB का डिग्री हासिल करना है और हासिल करते वक्त कुछ कानूनी ज्ञान आ जाए तो वो वैसे ही मेरे लिए बोनस है। दूसरा तो कभी कभी जिक्र होता है कि मैं बहुत यूथफुल, बहुत यंग है, यंग डायनामिक बोलता है, वो गलत फहमी में नहीं रहना, जितना यंग दिखता है इतना जवान मैं नहीं हूँ। तो 7 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, तो जो आदमी 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं वो कितना जवान हो सकते हैं। तो इसलिए जो विद्वान लोग आपके बीच में आते हैं और विद्वान लोगों से सुनना वो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी हम जैसों से सुनने से भी फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोगों ने बुलाया है, मैं आपके बीच में आया ही है तो मैं एक दो बातें रखूंगा। सबसे पहले तो हमारा इतना बड़ा विशाल देश है और जो देश इतना बड़ा है उसका समस्याएं भी तो उतने ही होंगे, तो इसलिए समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन समस्याओं को हल कैसा होना चाहिए उसका प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। जब मैं न्याय और विधि मंत्रालय का पदभार संभाला तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ रहा होगा, तभी जाकर के मुझे इसका जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि मैं कोई नया तो नहीं हूँ, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के हिसाब से, फिर सांसद के हिसाब से, उससे पहले कमीशन में रहे, फिर 2014 से अलग अलग मंत्रालय में भी रहा है। तो जब इस मंत्रालय में लाया
तो चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का मन में जरूर कुछ ना कुछ होगा जिसको मुझे बिल्कुल एक तो फ्रंट फुट में खेलना चाहिए, ऐसा सोच के मुझे इसका जिम्मेदारी दिया होगा। तो मैं जब देखा कि आम आदमी मेरे पास आते हैं और जो मंत्रालय का नाम है उसमें भी न्याय शब्द है, लॉ एंड जस्टिस, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो न्याय मंत्री हैं, जस्टिस मंत्री हैं, मुझे जस्टिस दिलाइए। कभी कभी मैं दौरे में भी जाता हूँ, गांव में, कस्बे में, कहीं भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि हमारा इतने सालों से हमारा केस लंबित है, पेंडिंग है, आप कुछ कीजिए, आप इस देश का लॉ मिनिस्टर हैं, न्याय दीजिए। तो न्याय देने का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस तरीके से चुरुस्त दुरुस्त करना है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो वकील होते हैं उन्हीं के माध्यम से न्याय प्राप्त करते हैं और न्याय देता है जो बेंच में बैठते हैं, जो जजेस होते हैं वो न्याय देते हैं। और दूसरी तरफ सरकार भी अपने ही काम करते करते एक प्रकार से वो भी न्याय ही दे रहे हैं। अगर हम जन सेवा कर रहे हैं, हम देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, तो वो भी एक तरीके से न्याय देने का ही काम होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीनियर जजेस हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी सीनियर जजेस होते हैं और हाई कोर्ट्स में या लोअर कोर्ट्स में, सब जजों को मैंने अपने तरफ से बहुत ही खुले मन से हमने कहा कि ये मत सोचिए कि सब कुछ सरकार को करना है, या ये भी मत सोचिए कि सारा न्याय न्यायालय से ही दिया जाएगा, कोर्ट रूम से ही सिर्फ न्याय मिलता है, ये सोचना भी गलत है। हम सब मिल करके, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सबको मिलकर के न्याय देना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हो, कार्यालय में हो, या कोर्ट रूम हो, या आप जमीनी लेवल में जा करके लोगों के दरवाजे में जा करके न्याय देने का काम करें, लेकिन करना चाहिए हमको न्याय देने का काम। लेकिन कभी कभी जब बोलते हैं कि 15 साल 20 साल से पेंडिंग है, तो क्या हम न्याय देने का काम कर रहे हैं क्या? अगर किसी कोर्ट में केसेस सालों सालों तक पेंडिंग है और जजेस के पास टाइम नहीं है, या किसी वकील ने उसको उस तरीके से पेश नहीं किया, डेट लेते रहते हैं, कभी कभी तो जज भी डेट दे देते हैं, एक डेट, दो डेट, तीन महीने, साल भर, कभी कभी वकील भी डेट मांगते हैं कि इतने दिन के बाद मुझे फिर से मौका दीजिए। तो उस तरीके से जो लोग न्याय देने का जिम्मेदारी लेके बैठे हैं उन्हीं के माध्यम से न्याय नहीं देने का काम भी होता है। तो इसलिए अगर सबको इस बात को मान ले कि हम किसी भी तरह कुछ भी करें मगर जल्दी से जल्दी न्याय देना चाहिए, अगर ये सब ठान ले, तो ये लगभग 4,90,00,000 के आसपास जो पेंडिंग है इस देश में इस वक्त, वो हम लोग कम कर सकते हैं या आधा कर सकते हैं। लेकिन हम ही अगर सिस्टम में उलझे रहेंगे फिर तो न्याय देना बहुत कठिन होगा, और समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर फायदा नहीं है। मेरे पास कई ऐसे लोग आए कि उसके बाप दादा के समय का केस है लेकिन अभी तक उसका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। एक तरीके से समाज का सोचने का जो तरीका है या हमारा सोच जो प्रकट होते हैं उसमें भी थोड़ा सा चिंता करना चाहिए। मैं सारा वकीलों को एक दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील ऐसे होते हैं उनका तुरंत डेट लग जाता है, और कुछ वकील ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि आप मेरे पास केस लेके आइए, मैं आपको केस जितवा दूंगा। वरना तो आप सोचिए कि कुछ वकील
एक अपेयरेंस में 30 लाख 40 लाख चार्ज करते हैं और कुछ वकील को काम ही नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों? कानून तो सबने पढ़ा है, वही संविधान, वही एक्ट सबने पढ़ा है, वही धारा, वही सेक्शन सबने पढ़ा है। कुछ लोगों का थोड़ा तरीके से केस रखने का टैलेंट होता है, उसका इनबिल्ट क्वालिटी होते हैं, मगर प्रावधान तो सबको उसी तरीके से रखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बड़े बड़े केस उसी के पास आते हैं और वो बैठे बैठे करोड़ों का कमाई करते हैं। कोविड के समय में तो जब वर्चुअल हो रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस चल रहे थे, तो वो टाइम ही नहीं है। लोग कुछ वकील तो ऐसे थे कि यहां भी एक कंप्यूटर लगा के रखा है, यहां में भी एक बेंच में आप हियरिंग कर रहे हैं, यहां भी हियरिंग कर रहे हैं, उधर भी हियरिंग करते हैं। कभी कभी जजों को गुस्सा आता था कि भाई आप मेरे कोर्ट में हियरिंग कर रहे हैं, आप पैरेलली साथ साथ आप दूसरे कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, क्योंकि एक ही रूम में पूरा व्यवस्था बनाया हुआ है। तो ये किस लिए होता है? ठीक है, अच्छा वकील है, लोग जाना चाहिए, लेकिन इसलिए उसके पास जाए क्योंकि न्याय वही दिला सकता है, क्योंकि उसका पहुंच है और वही फिक्सिंग करा सकते हैं, तो फिर ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि जो बड़े वकील होते हैं वो भी ये कोशिश करें कि छोटे छोटे जो जूनियर हैं, नए नए वकालत कर रहे हैं, उनको उभरने का मौका दें। पूरा कब्जा करके मत बैठिए, केस बांटिए, लोगों को सिखाइए, उसको भी उठने दीजिए।